हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप पंजाबी सूट्स, कुर्तीज़ या फिर जीन्स टॉप पहन के बोर हो चुके हो तो इन दैट केस आपके पास एक नया ड्रेसिंग आइडिया क्या हो सकता है। वैसे तो थंबनेल एंड टाइटल को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस ड्रेस की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि बेसिकली इस ड्रेस को हम बोलते हैं इंडो वेस्टर्न, क्योंकि ये एक तरीके का फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लाइक आपके जो जीन्स एंड टॉप्स रहते हैं वो मेनली वेस्टर्न कैटेगरी में आता है, लेकिन जो आपके सूट्स हो गए वो आपके इंडियन कैटेगरी में आता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारी एक नई ड्रेसिंग सेंस क्रिएट होती है और उसको हम बोलते हैं इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात मुझे इस ड्रेस के बारे में ये लगती है कि ये आपको बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही आसानी से एक पार्टी लुक प्रोवाइड कर सकती है। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि हमें इंडो वेस्टर्न ड्रेस खुद के लिए बनवाने के लिए क्या क्या चाहिएगा और किस टाइप का फैब्रिक उसके लिए ज्यादा जरूरी है। बहुत ही सिंपल और बेसिक सी चीजों से आप ये वाली ड्रेस अपने लिए रेडी करवा सकते हो। इसके लिए मैंने टोटल 14 डिजाइन यहाँ पे स्क्रीन पे डाले हैं। एक तो आपको इसके लिए चाहिए शर्ट, जो कि ऑलमोस्ट हर लड़की के पास पहले से ही होती है, और दूसरी चीज चाहिए आपको स्कर्ट। गाइज, दो ऑप्शन रहते हैं स्कर्ट में आपके पास। देखो, अगर आपको किसी पार्टी या फंक्शन के लिए इंडो वेस्टर्न ड्रेस क्रिएट करनी है तो इन दैट केस बेटर रहेगा कि आप जो ब्रोकेड का फैब्रिक रहता है, वो शायद से मैंने डिज़ाइन नंबर 14 में डाला है, ब्रोकेड के फैब्रिक से आप स्कर्ट बनवाइए और उसके साथ कोई भी प्लेन वाली शर्ट आप उसके साथ मैच कर सकते हैं, तो वो आपका बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर ड्रेस रेडी हो जाता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहता है गाइस कि अगर आप ये ड्रेस पार्टी या फिर फंक्शन के लिए ना बनवा के डेली रूटीन के लिए या तो फिर कॉलेज वेयर के लिए बनवाना चाहते हैं तो इन दैट केस बेटर रहेगा कि जो स्कर्ट आप बनवाओगे उसको आप कॉटन के फैब्रिक से बनवाएं। इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस को बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट करते हैं और उसका प्रूफ ये है कि बहुत सारे ओकेजन पे कई सारे सेलिब्रिटीज को देखा गया है इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस कैरी करते हुए। गाइस, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो डिजाइन नंबर 9, यहाँ पे स्कर्ट एंड शर्ट दोनों को बनवाने के लिए ही ब्रोकेड के फैब्रिक का यूज़ किया गया है। आप अगर चाहो तो ये आपको मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाएगी ब्रोकेड फैब्रिक में, या फिर आप बुटीक की हेल्प से भी इसे बड़ी ही आसानी से रेडी करवा सकते हो। गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ये वाली ड्रेस कैरी करते हो पार्टी या फिर किसी फंक्शन के लिए, तो अगर आप इसके साथ नेक ज्वेलरी कैरी करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। इसके अलावा डेली रूटीन के लिए या तो फिर कॉलेज पर्पस के लिए आप ये पूरी ड्रेस कॉटन के फैब्रिक से इजिली बनवा सकते हो। सो गाइस, ये तो बात हो कि इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाने के लिए आप स्कर्ट को प्लेन शर्ट के साथ किस तरीके से पेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप शर्ट यूज नहीं करना चाहते हो इन दैट केस आप शर्ट को रिप्लेस कर सकते हो अपने किसी भी अच्छे टॉप के साथ। गाइस, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो डिजाइन नंबर 7 में कि ब्लैक कलर के साथ आप बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ जो स्कर्ट मैच करोगे उसमें थोड़ा बहुत ब्लैक कलर का बेस रख लीजिएगा तो आपका काफी अच्छा कॉम्बिनेशन रेडी हो जाता है। कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो कॉटन का फैब्रिक रहता है वो ज्यादा अच्छा रहता है स्कर्ट बनवाने के लिए, लेकिन अगर आप यही सेम ड्रेस अपने किसी पार्टी या फंक्शन के लिए बनवाना चाहते हो तो इन दैट केस अवॉइड करो जो कॉटन का फैब्रिक होता है उसको। इन दैट केस आपको यूज करना या तो सिल्क का फैब्रिक या तो कोई भी सिंथेटिक फैब्रिक या तो फिर ब्रोकेड का फैब्रिक, क्योंकि इनमें ना सब में लेयर्स बहुत अच्छी बनती है और आपका जो स्कर्ट होती है वो वॉल्यूमाइज होकर सामने आती है। फैब्रिक के अलावा एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी वो है कलर कॉम्बिनेशन। गाइस, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे 14 कलर कॉम्बिनेशन डाल दिए हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्काई ब्लू एंड व्हाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अल्टीमेट कलर कॉम्बिनेशन रहता है। तो गाइस, अगर आपको रॉयल एंड एलिगेंट लुक क्रिएट करना है तो आप यूज कर सकते हो ये वाला कलर कॉम्बिनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा कल आने वाला है एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफी टाइम से आ रही है गाइस, सो कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वापस आते हैं अपनी आज की वीडियो पे। अभी आप स्क्रीन पे जो सैंपल देख रहे हो वो भी काफी अच्छा डिजाइन है, ये डेली पर्पस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक आप प्रिंटेड वाली जो स्कर्ट होती है वो भी बनवा सकते हो या तो परचेज कर सकते हो मार्केट से इजिली। उसके अलावा जो ऑफ शोल्डर टॉप्स रहते हैं उसके साथ भी आप मैच कर सकते हो अपनी स्कर्ट को। आप चाहो तो कोई भी प्रिंटेड वाला टॉप या फिर प्रिंटेड वाली शर्ट अगर आपके पास है तो उसकी भी आप पेयरिंग कर सकते हो अच्छे से प्लेन वाली स्कर्ट के साथ। एंड किस कलर की प्लेन स्कर्ट यूज करनी है उसका आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो कि जो भी आपका प्रिंटेड टॉप या फिर शर्ट है उसमें से कोई भी एक कलर पिक कर लीजिए और उससे मैच करता हुआ कलर आप अपनी स्कर्ट के लिए यूज कर सकते हो। गाइस, लास्ट वाला
कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही यूनिक और प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है। बेसिकली यहाँ पे ग्रे कलर को यूज़ किया गया है, सो ये वाला कलर कॉम्बिनेशन भी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ये था आज का वीडियो, मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।